शनि की साढ़े साती के काल को आपकी परीक्षा का समय कहा जा सकता है। इस समय आपके संयम की परीक्षा शनिदेव द्वारा ली जाती है और अगर आप पास हो गए तो आपको जबरदस्त सफलता भी जरूर मिलेगी। सभी ग्रहों में शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, इसलिए शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के दौरान संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए यदि आप शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेहनत करें और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि शनि कुंडली के जिस भी भाव में विराजमान होता है उस भाव पर तो असर डालता ही है, साथ ही तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर भी इसकी दृष्टि बनी रहती है। यदि कुंडली में शनि ग्रह चौथे भाव में विराजमान है तो इसका फल कैसा होगा, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही यदि शनि देव आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो आपको इसका उपाय भी बताया जाएगा, जिससे आप शनि ग्रह को शांत कर सकते हैं। इस भाव में शनि की स्थिति इंसान को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बनाती है। यह भाव माता का होता है, इसलिए माता के साथ ऐसे व्यक्ति की अनबन हो सकती है। वहीं अगर शनि चौथे भाव में किसी मित्र राशि में है तो शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि इस भाव में शनि की स्थिति किसी पाप ग्रह की दृष्टि पर पड़ रही हो तो व्यक्ति माता के सुख से वंचित भी हो सकता है और साथ ही जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। वहीं अगर चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है तो तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से आपके षष्ठम, दशम और प्रथम भाव पर प्रभावित होगा। शनि की तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव पर होने से जीवन में दुख रहेगा और किसी रोग से परेशान रहेंगे। यदि शनि की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो इससे आपको कामकाज में परेशानी हो सकती है। शनि की दशम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ती है तो आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यह है कि आप सुबह जल्दी उठकर शनि मंत्र का जाप करें।